तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, बुक नंबर 3, चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एक ऐसा चैप्टर है जो ये डील जो इस चीज के साथ डील करता है कि हमारे बिजनेस में टोटल कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से। हमने हमारे बिजनेस को टोटल 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम सुना है हमने। तो ये चैप्टर डील करता है कि टोटल कितना हमारी कंपनी में कैश इनफ्लो होगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और कितना कैश का आउटफ्लो होगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसको डील करने के लिए ये चैप्टर पढ़ते हैं। ये चैप्टर जनरली एक एनालिसिस है। हम लोग इस चैप्टर के थ्रू ये एनालाइज करते हैं कि कंपनी के पास जो कैश है वो स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो है कंपनी का या वीकर कैश फ्लो है, मतलब कंपनी के पास पैसे रहते हैं या पैसों की कमी रहती है। ये पूरी बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से मिलकर के बनी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं उनके ऊपर बनी है। ये टूल्स है, देखिए मैं आपको कुछ बातें लिखता हूँ। टूल्स टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, समझ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा आप अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके कुछ टूल्स होते हैं। उन टूल्स में कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट होते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स व्हिच वी विल बी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ बुक नंबर 3। सेकंड इज रेशियो एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं उन कंपनीज के दो वेरिएबल्स के बीच में रेशियो एनालाइज करते हैं और वो रेशियो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये थर्ड टूल है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। सो क्लियर। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करें। एनालाइज करने का मतलब कैसे ये समझें कि वो उस कंपनी में कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी अच्छी या खराब, यानी मुझे ये देखना है अलग अलग एक्टिविटीज से कंपनी के पास कैश कितना आता है कैश कितना जाता है। तो ऐसे ये टूल है ये, ठीक है, जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो को डील करता है। किसी कंपनी में कितना कैश का इनफ्लो हुआ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग और कितना आउटफ्लो हुआ, इसको समझने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर। तो अब यहीं से इसका मीनिंग आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट को शॉर्ट में हम कहेंगे सीएफएस, सीएफएस। तो लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं इसको यहाँ सी एफ एस लिखता हूँ। सी एफ एस इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप इस टर्म से बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हैं। ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो बेटा ये आपको क्या सिखाता है कि कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट का ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड। किसी कंपनी के एक साल में कितना कैश का इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, ये हमें अगर देखना है तो इस स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे। ये अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू आपको बताता है। याद रखना बच्चा, सीएफएस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3। AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3
यहाँ पे AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और ये AS 3 भी जो है ना वो रिवाइज्ड, किसके थ्रू? रिवाइज्ड, पहले AS 3 आया था, फिर इसमें कुछ एडिशन किया गया, कुछ चीजें ऐड या मॉडिफाई की, उसके बाद इसको AS 3 रिवाइज्ड बनाया गया। तो AS 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है? देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग CFS, बेटा दो मेथड्स होते हैं कैश फ्लो बनाने के, एक होता है, एक तो है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, कितना हमने माल बेचा, कितना खरीदा, ठीक है? यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड और फ्लो ऑफ फंड की हम बात करते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। हाँ जी, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। और दूसरा जो है इनडायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड ही हमारे सिलेबस में है। ये बात समझ आती है बच्चा? तो एक बार फटाफट से इतना एसेस ले लीजिए सब बच्चे, अच्छे से एसेस ले लीजिए। ओके, अगर ले लिया हो तो हम आगे चलें। ले लिया बच्चों? चलिए जी आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इंटू 3 हेड्स। हमने 3 हेड्स में सारी एक्टिविटीज को डिवाइड किया। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? मैं आपको एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताऊंगा, हालांकि हमारे 5 से 7 दिन तो इसी एक्टिविटी में चल जाएंगे, 4 से 5 दिन, टोटल 4 to 5 days में हम लोग ये वाली एक्टिविटी करेंगे। 2 दिन में ये, 2 दिन में ये, लगभग आप देखोगे तो 10 दिन के अंदर हमारा ये ऑलमोस्ट जो तीनों एक्टिविटीज हैं वो प्रैक्टिकली कवर हो जाएगी। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ये तीनों एक्टिविटीज एक साथ पूछी जाती है, ठीक है? उन क्वेश्चंस को तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, हमारे लगभग 55 क्वेश्चन या 58 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस होने चाहिए बुक में हमारी। तो 3 एक्टिविटीज में हमने टोटल जो है वो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया, 3 हेड्स में डिवाइड किया। पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग क्या होता है बेटा? जो मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ उस बिजनेस की ऑपरेटिंग यानी मेन बिजनेस की एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो हुआ है नेट, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे। अब जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में या बिजनेस के बाहर, बिजनेस की असेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है या प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से नेट कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो वहां से रिटर्न भी मिलेगा, किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो डिविडेंड मिलेगा, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेट कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ये फाइंड आउट करते हैं। एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने पैसा बिजनेस में लगाने के लिए पैसा कहाँ से उधार लिया, उस एक्टिविटीज वो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। तो 3 तरीके की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग जो कि बिजनेस के से डील करती है, मतलब बिजनेस की टोटल जो एक्टिविटीज होती है, बिजनेस के जो भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग, जहाँ जो भी बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट किया जहां पे भी, वो सारा का सारा उस इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं। एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग, बिजनेस में जो पैसा लगाया उस पैसे को लगाने के लिए वो पैसा कहाँ से उधार लिया गया, यानी सोर्स ऑफ फंड, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो पूरा को पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये 3 एक्टिविटीज के बारे में कुछ कुछ हिंट्स मिल चुके हैं। मैंने अभी ये सारी चीजों को और डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, फिलहाल मैं आज के लिए आपको पहले बताऊंगा कि बेसिक सा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है,
हर कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा जिनमें ये तीनों एक्टिविटीज पूछी जाएगी आपसे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसको टैली भी कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ आ रही है मेरी, एक बार हटा दें ये तीनों चीजों को। आप एक बार लिख भी रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बिकॉज अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इसको मैं डिटेल में लिखूंगा। हाँ बेटा बताइए। मैंने हटा दिया है, डोंट वरी, मैं वापस लिखने वाला हूँ उसको, इसीलिए मैंने हटाया है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता रहा हूँ। देखिएगा बच्चा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। जो भी बच्चा साइलेंट नहीं है ना, वो पहले अपने आप को साइलेंट कर ले, नहीं तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब होता है। ओके सुनिएगा बच्चा, मैं जब भी कभी कैश फ्लो बनाऊंगा तो इस तरीके से मेरे दो कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम, और ये दूसरा कॉलम बनाने की नीड नहीं है वैसे, अगर आप चाहो तो बना लो डिटेल और अमाउंट करके। देखिए लास्ट वाले में तो हम लोग लिखेंगे जो नेट एक्टिविटी का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है उसे, ऊपर लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन करके, और अगर आपके पास स्पेस बचे तो ऐसे एस पर एस थ्री रिवाइज्ड। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या चीजें लिखेंगे, आराम से दिखेगा। पहले मैं आपको सिर्फ सिंपल सा कैश फ्लो बनाना सिखाता हूं कि क्या है। हमारा फर्स्ट हेडिंग जो हम लोग निकालना सीखेंगे वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी अमाउंट आएगा उसे हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। मैंने अभी आपको ये कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, इसी को स्टार्टिंग में हम लोग सीखेंगे आज। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों जो एक्टिविटी है इन तीनों का टोटल फाइंड आउट किया जाएगा नेट। जो भी टोटल आएगा, अगर ये टोटल पॉजिटिव आता है, अगर इन तीनों का टोटल पॉजिटिव आता है तो इसे लिखेंगे हम लोग नेट इंक्रीज, और अगर नेगेटिव आता है तो इसे लिखेंगे नेट डिक्रीज। आप प्लस माइनस को इस ब्रैकेट से समझना, अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब अगर टोटल पॉजिटिव आया तो लिखेंगे नेट इंक्रीज, और अगर नेगेटिव आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको ऐसे बोला जाता है। ये अमाउंट आया, अब इस अमाउंट में हम क्या ऐड करेंगे, पूरा बोला जाता है। अगर पॉजिटिव अमाउंट आया तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर अगर ये पॉजिटिव अमाउंट आया तो आप लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर ये नेगेटिव अमाउंट आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस अमाउंट में क्या ऐड किया जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग। बिगनिंग में जो भी हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट है, यानी कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस है, उसे हम लोग ओपनिंग वाला इसमें ऐड करेंगे, ये जो बैलेंस आया उसमें ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा क्लोजिंग वाला। क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैश का बैलेंस आएगा। हमें ऐड कौन सा करना था होता है, इस नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें ऐड करना पड़ता है बिगनिंग वाला कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस आ जाता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो एक बार आप सब बच्चे एसेस ले लीजिए इसका। आज हम लोग फर्स्ट वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे।
चले बेटा, एसएस ले लिया होगा आप सब बच्चों ने। ओके, सुनिएगा आप, देखिएगा, अब मैं फर्स्ट एक्टिविटी को आपके साथ शेयर करूंगा। मैं फर्स्ट एक्टिविटी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना चाहता हूं, ठीक है? तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये मेथड कौन सा है हमारा? इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। ऊपर वाली चीज को रफ करके ना इनडायरेक्ट मेथड लिख देता हूं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए। बाय इनडायरेक्ट मेथड बेटा, इनडायरेक्ट मेथड जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, हम लोग इस मेथड में जब कैश कैलकुलेट करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश कितना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास, मुझे क्या दिया होगा? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट सेम है जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश या कैश मतलब नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कैलकुलेट करूंगा। आराम से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जहां पे मुझे ये पता होता है कि मैंने बिजनेस में जो माल बेचा और माल खरीदा और जो उस माल से रिलेटेड खर्चे थे उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पैसा कितना आया कितना गया माइनस करके बता दो, वो होता है डायरेक्ट मेथड। बट यहाँ पर डायरेक्ट मेथड नहीं है, यहाँ है इनडायरेक्ट मेथड। इस मेथड में आपको इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसी को समझने के लिए मैं आपको सामने कुछ टर्म्स शेयर कर रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए ए से लेके ई तक की 5 हेडिंग्स चलेगी, ठीक है? सबसे पहली हेडिंग आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बेटा मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसे हम लोग वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम चाहें तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा मैं आज के लिए आपको इसे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके शो कर रहा हूँ, जैसे बुक ने किया है। फिर जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आएंगे तो मैं आपको इसे डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट करना सिखाऊंगा, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट उठाना है। तो एक बार में ये वाला स्पेस यूज कर रहा हूँ बेटा, आप इसको वर्किंग नोट मानना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1, और सब बच्चे यहाँ तक लिखेंगे भी वर्किंग नोट नंबर 1। हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? सरप्लस या डेफिसिट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होगा, सरप्लस भी दिया हो सकता है, डेफिसिट भी दिया हो सकता है। सरप्लस और डेफिसिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरे पास क्वेश्चन में जनरली ये दिया रहेगा, सरप्लस या डेफिसिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये वर्किंग नोट है, क्योंकि इसमें कुछ आइटम्स एड होते हैं, कुछ आइटम्स लेस होते हैं। थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको ये लाइन टू लाइन चीजें लर्न हो जाती है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। और अगर आपको ये लाइन टू लाइन लर्न नहीं होती है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पूरा कर पाओ। समझे मेरी बात? मतलब इसे थोड़ा सा लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो बेटा देखिएगा कौन कौन से आइटम्स ऐड होंगे, कौन कौन से आइटम्स लेस होंगे, इसे समझना है हमें। तो आते हैं हम लोग पहले, देखिएगा सबसे पहले ऐड होगा ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। जो भी अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजर्व बनाया है, रिजर्व क्रिएट किया प्रॉफिट में से, उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, सबके रीजन दूंगा, फिलहाल सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है? एक हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां प्रोविजन फॉर टैक्स होगा ना, जो जो आपने इस साल बनाया है, मेड ड्यूरिंग, या चलो इसी के आगे लिख देते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा, मेड ड्यूरिंग द ईयर,
इसे आपको ऐड करना है। मेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या, ये करंट ईयर का प्रोविजन है, इस साल बनाया गया प्रोविजन फॉर टैक्स है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐड करते हैं क्यों लेस करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक इंट्रीम डिविडेंड पेड, क्या क्या आता है बेटा, इंट्रीम डिविडेंड पेड, इंट्रीम डिविडेंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी करंट ईयर में जो आपने इंट्रीम डिविडेंड चुकाया है वो, ठीक है। एक और चीज आती है, वेट कीजिएगा बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, फाइनल डिविडेंड पेड या प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड मैं लिख रहा हूं पेड, ये प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा जिसे हमने पे किया होगा इस साल, या फाइनल डिविडेंड पेड आएगा। मैं इन दोनों का मीनिंग आपको बताऊंगा अभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये सब चीजें एक एक चीज करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक लास्ट आइटम, चार आइटम्स तो होगा, एक दो तीन चार, फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं यहाँ पे आइटम्स की जगह लिखूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। इस लॉसेस में क्या आएगा, लॉस बाय अर्थक्वेक या लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो भी हमें लॉस हुआ वो यहाँ पे आएगा, या किसी भी तरीके का और कोई अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसका लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, वो सब यहाँ आएगा। अब नॉर्मल लॉस के अंदर वो सारी चीजें आ गई जो अब नॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू हुई, जो नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू नहीं हुई। तो आइटम नंबर कितने ऐड किए जरा देखिएगा, एक नंबर का आइटम, दो नंबर का आइटम, तीन, चार और पांच, टोटल पांच आइटम्स ऐड होंगे और दो आइटम लेस होंगे। कौन कौन से दो आइटम्स लेस होंगे बेटा, एक बार सब बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे, लेस वाले जो आइटम है ना यहाँ वाले, ये बेटा मैं थोड़ा सा इधर वाली साइड लिख दूं, आप लोगों को इजीली शो भी हो जाएगा, या चलिए आपको शो तो हो रहा है। एक आएगा रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, कितना टैक्स चुकाया है वो रिफंड हुआ है, मतलब सरकार को जो हमने टैक्स दिया उसमें से कितना टैक्स सरकार ने रिफंड किया, डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक बार सिर्फ समझिए। एक तो रिफंड ऑफ टैक्स मतलब एक आइटम तो ये, और दूसरा आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की मैं वर्ड बोलूंगा गेन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स का मतलब क्या, इसमें आ गया बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी खुल गई हमारी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, या दिख रहा होगा बेटा विनिंग फ्रॉम लॉटरी। एक चीज और दिखेगी, इंश्योरेंस का जो क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन कहलाती है। तो दो आइटम्स लेस होंगे, मतलब टोटल सात आइटम्स आने हैं, सरप्लस दैट इज सरप्लस या डेफिसिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल सेवन आइटम्स आने हैं। इन सब से जो भी नेट अमाउंट आता है, देखिए जैसे ये ऐड किया इसमें, मतलब पांच आइटम्स ऐड कर दिए एक साथ और ये तीन आइटम्स लेस कर दिए, जो भी ये लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है नेट, वो नेट अमाउंट कहलाएगा ये, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो बेटा फटाफट से एक बार एसएस ले लीजिए, फिर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज का टॉपिक सिर्फ इतना है, अभी सिर्फ ए टॉपिक पढ़ाया, इसमें बी सी डी ई, टोटल ई टॉपिक होते ही ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी कंप्लीट होगी, सबसे बड़ी एक्टिविटी ये फर्स्ट वाली ही है बच्चा। और आपको अगर डर लगेगा तो इसी में लगेगा, लगेगा नहीं अगर आप रेगुलरली क्लास लोगे, डेली मेरे साथ साथ पढ़ोगे, घर पे बैठ करके लर्न करोगे, जो चीज मैं आपको क्लास में बताऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इजीली आप ये चैप्टर पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आपने मेरी चीजें बोली हुई फॉलो नहीं की, आपने अपना दिमाग लगाया या किसी और की सुनी, तो बेटा फिर हो सकता है आपको ये चैप्टर में बड़ी दिक्कतें आने लगे। कॉन्सेप्ट आप मुझसे पूछिए, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको एकदम डिटेल में क्लियर करूंगा, पहले इतना इतना एसेस ले लीजिए। हो गया बच्चा, चलिए मैं आता हूं एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पे, एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, सो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन हम लोग कल ही करें, या एक क्वेश्चन होगा तो मैं करवा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है।
सरप्लस और डेफिसिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी मेरे पास जो बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट है वहां से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था लास्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते थे उस इनकम स्टेटमेंट को बना करके, वहां से जो प्रॉफिट आया उसे हम लोग लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। जो पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, क्या उस पैसे का बिजनेस से आउटफ्लो होता है? नहीं होता, इसीलिए इसको ऐड कर रहे हैं वापस, जस्ट बिकॉज ये आउटफ्लो नहीं है बिजनेस का। प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें टैक्स चुकाना है, माना चुकाना है, इसके लिए हमने इस साल जो प्रोविजन बनाया अगले साल के लिए, वो प्रोविजन मतलब पैसा अलग निकाल करके रखा है, बिजनेस से बाहर नहीं गया, तो उसे ऐड करेंगे। ठीक है, दो चीजें होती है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक होता है इनकम टैक्स पेड। दो तरीके की चीजें हैं, टैक्स तो वो चुकाया जाएगा जो इस साल चुकाना है हमें। अब हमने प्रोविजन जो है वो अगले साल के टैक्स के लिए बनाया होगा, तो वो अगले साल का टैक्स हमारे बिजनेस से चला थोड़ी गया, बट हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं वहां पे लेस कर दिया इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो इसीलिए हम वापस इसको ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पे, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम इंटरिम डिविडेंड पे किया है ना, अब जो डिविडेंड, एक्चुअली ये डिविडेंड वैसे तो स्टेटमेंट बनाने के बाद होता है, बट बेटा मेरे पास ये चीज, सबसे पहली चीज जो डिविडेंड पेमेंट करने की बात है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। सर डिविडेंड क्यों चुकाया जाता है? अगर हमने कंपनी के शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा किया है, तो पैसा लेने के लिए जो भी कॉस्ट बियर करनी है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। सो दैट्स व्हाई जो डिविडेंड पेमेंट वाली बात है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, तो ये यहाँ पे फिर से ऐड हो रहा है, जस्ट बिकॉज इससे कैश का आउटफ्लो हुआ है, बट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं, किसका हिस्सा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सो दैट्स व्हाई इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और क्योंकि मुझे अब इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम निकालना है, तो इंटरिम डिविडेंड या फाइनल प्रपोज डिविडेंड, इसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगा इंटरिम डिविडेंड किसे कहते हैं। जो डिविडेंड कंपनी ने इसी साल प्रपोज किया और विद इन 30 डेज चुका दिया, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम मतलब इंस्टेंट, जब कंपनी ने बोला 30 दिन के अंदर अंदर वो डिविडेंड चुका दिया, वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज वो होता है आज प्रपोज किया और अगले साल प्रॉफिट होने पर देना है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। तो मैंने प्रपोज डिविडेंड नहीं लिखा, मैंने प्रपोज डिविडेंड पेड लिखा है। अगर पिछले साल कोई डिविडेंड प्रपोज किया था और वो हमने इस साल चुकाया, तो बेटा वो भी यहाँ पे ऐड होगा। फाइनल डिविडेंड पेड बोल दो या प्रपोज डिविडेंड पेड बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस पे। एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस को क्यों ऐड और क्यों एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स को लेस किया? बिकॉज हमें जो ए वाला आइटम चाहिए उसमें प्रॉफिट हमें टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम से पहले का चाहिए, तो लॉसेस इसी एक्टिविटी में सबसे नीचे डी और ई जो पॉइंट हेडिंग होगी उसके बीच में हम इस एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस को लेस करेंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस को लेस करेंगे, वहां यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस में मैंने एग्जाम्पल बता दिया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर से लॉस होता है तो वो, या कोई भी बिजनेस का अबनॉर्मल लॉस है वो। लेस में रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स कब मिलता है? जब कभी आपने जो टैक्स है वो सरकार को ज्यादा चुका दिया, मतलब आपकी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग टैक्स आ रहा है 1,000 रुपए, आपने मतलब चुका दिया 1,000 रुपए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैक्स बन रहा था आपका 700 रुपए, तो 300 रुपए आपको रिफंड दिया, रिफंड कर दिया आपको टैक्स। या समटाइम्स हम जो टैक्सेस पे करते हैं उसकी रिबेट भी मिलती है हमें, तो हमें वापस जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो टैक्स वापस से हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वो टीडीएस के साथ होता है ऐसा, तो वो रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पे आएगा, लेस होगा। और एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स, गेन्स बोले तो ऐसे गेन जो हमारे बिजनेस के एक्स्ट्रॉर्डनरी है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बोले तो बिजनेस में ये जो गेन है वो बिजनेस के लिए, बिजनेस से जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जस्ट डिफरेंट है, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स तो होते ही डिफरेंट है, ठीक है, ओके। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आ जाएगा इन सातों चीजों को एड लेस करने से, 5 चीजें ऐड, 2 चीजें लेस, आपके पास आ जाएगा एक्स्ट्रॉर्डनरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है वो पूरा क्लियर हो गया, एसएस आपने ले लिया है। एक क्वेश्चन जो है वो हम फटाफट से देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसमें, 5 मिनट लगे हैं और सिर्फ 1 मिनट ही है मेरे पास करवाने के लिए। तो बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 9th भी है और क्वेश्चन नंबर 8th भी है, सिर्फ 1 मिनट बचा है बेटा, अगर आप देख पाए चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कल करेंगे आराम से, आप लोग तब तक इसे लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज लर्न करने के बाद आपको बड़ा इजी गोइंग होगा इसको समझने में। आप सिर्फ इतनी चीजों को नोट कीजिए, क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे।
सर एक बार इंटरिम डिविडेंड वापस बताओ ना क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड बताऊं बेटा, एक बार सब बच्चे फिर से कनेक्ट हो जाए,